उधर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भी अपना संबोधन दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान विकसित भारत के विकास के लिए एक मजबूत नींव स्थापित करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार 3.0 के दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटें भी हासिल करने के लिए संघर्ष करेगी, ये तंज कसा पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर। मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तहान वजह से शांति से बोल रहे थे, समय भी काफी लिया था, तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे, तो मैं सोच तो रहा था। लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, इन आशीर्वाद को आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। आज मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री जी में यह साहस नहीं था अभिभाषण पर बोलते हुए कि वो पिछले 10 सालों का हिसाब दे सके, बताएं कि 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां कहाँ, इस पर जवाब नहीं दे पाए। जो सवाल पूछे गए थे, महंगाई क्यों बढ़ी, इस पर जवाब नहीं दे पाए। 1,00,000 किसानों ने आत्महत्या क्यों की, इसका जवाब नहीं दे पाए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी में ये भी साहस आज नहीं हुआ कि वो अपने 10 सालों की उपलब्धियाँ बताकर अगले 5 साल की बात करें।